हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेवल फूड्स नापलो दुनिया पर। दोस्तों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं भारत के सबसे खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशन में से एक, कश्मीर के सबसे दिलकश पहलगाम। दोस्तों, पहलगाम एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से हमेशा सभी के बीच चर्चा में रहता है और हर साल यहाँ बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, अगर आप पहलगाम आने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आप यहां पर कैसे पहुंचेंगे, होटल आपको कहां और कितने मिलेगा, पूरी यात्रा में कुल कितना खर्च आएगा, साथ ही आने के लिए आपको टैक्सी श्रीनगर से कितने में मिलेगी, और सबसे ज़रूरी बात कि पहलगाम के वो कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो आपको ज़रूर घूमने चाहिए। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। बस आप हमारे साथ बने रहें और देखें हमारा ये छोटा सा पूरा वीडियो। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि ये हमारे कश्मीर व्लॉग सीरीज़ का चौथा व्लॉग है। इससे पहले हम श्रीनगर लोकल टूर, गुलमर्ग, सोनमर्ग के व्लॉग अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए। इन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिए हैं और आई बटन में भी हम उनके लिंक दे देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं वाला। दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम निकल रहे हैं पहलगाम के लिए। सुबह सुबह आज बहुत ज़्यादा ठंड है और आज हमने अपने श्रीनगर होटल से चेकआउट भी कर लिया है, क्योंकि अब हम अगले 2 दिन पहलगाम में ही रुकने वाले हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम टैक्सी की बात करें तो हम आपको बता दें कि हमने अपने पहले ही व्लॉग में ही बता दिया था आपको लोगों को कि हमने 3500 रुपये पर डे में ये टवेरा गाड़ी जिससे हम सफ़र कर रहे हैं इसको हमने 3500 रुपये पर डे में कर लिया था बुक, जिसमें हम 8 लोग यात्रा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप श्रीनगर से ही टैक्सी बुक कर पहलगाम जाना चाहते हैं तो आपको श्रीनगर से भी टैक्सी मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ बहुत से प्राइवेट ऑपरेटर हैं जिनसे आपको 2500 से 4000 रुपये में आपको पहलगाम के लिए टैक्सी मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो उससे आपके रेट वेरी कर सकता है। दोस्तों हम लोग अभी 2 से 3 घंटे की जर्नी के बाद पहुंच गए हैं पंपोर। ये रास्ते में ही पड़ता है और यह इलाका अपने ड्राई फ्रूट्स के लिए जाना जाता है। साथ ही आपको बता दें, भारत में केसर की खेती सिर्फ यहीं पर की जाती है। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं केसर के खेत। हम लोग जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स का जो गार्डन है इनका अपना लोकल, जिस मार्केट में हम लोग रुके हुए थे, जिस दुकान पर, उनका अपना पीछे गार्डन है इस ड्राई फ्रूट्स का। तो हम लोग वो पेड़ देखने जा रहे हैं, गार्डन देखने जा रहे हैं कि ये किस चीज़ कहाँ लगे हुए हैं, कैसे उगते हैं, तो वो टूर हम आपको चलिए कराते हैं। अच्छा, ये केसर का है। ये देख रहे हैं आप, केसर की फील्ड है जो सिर्फ कश्मीर में ही है और पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं उगता है। ये घास मतलब ये अभी आ गई है, खेती नहीं हुई। अच्छा 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 जुलाई में, सितंबर में, फिर अक्टूबर, 15 अक्टूबर के फूल आते हैं। एक फूल में से लाल वाली 3 सेपल जो मैंने आपको दिखाया वही आता है। एक फूल में तीन तीन रेशे, तीन रेशे, हाँ तीन रेशे आते हैं एक फूल में। वो घास की फोटो खींच रहे हैं आप? वो घास है नहीं है, जैसे नहीं वहां से भोजन किसी को बता रहा भी नहीं। फूल किस लिए यूज के नाम ये है? ये सेब के नीचे सेब आता है, वो वाले का है, वो भी सेब, ये सारा सेब का, ये सारा सेब का गार्डन है जो वो बड़ा बड़ा। दोस्तों, अब हम केसर वगैरह के खेत घूम आए हैं और अब हम आ गए हैं इनकी शॉप पर। यहाँ पर मामरा बादाम, केसर, अखरोट व कई तरह की कैंडी उपलब्ध हैं और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमें जो कश्मीर का सबसे फेमस पेय पदार्थ है कहवा वो ऑफर किया है। दोस्तों, यदि आप श्रीनगर से पहलगाम जा रहे हैं तो ये दुकानें आपको रास्ते में मिलती हैं जहाँ से आप केसर व ड्राई फ्रूट्स खरीद सकते हैं और इनके रेट भी बहुत ही सही हैं। इसके बाद हम थोड़ा आगे चले ही थे कि हम पहुँच गए संगम। दोस्तों, जहाँ पर कश्मीर विलोबेट्स की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। हम लोगों ने यहाँ पर रुक कर बैट वगैरह खरीदे। वह आपको बता दें कि हमने यहाँ पर अल्फा बैट फैक्ट्री का पूरा टूर भी किया
और अल्फा बैट फैक्ट्री के ओनर ने हम लोगों को अच्छे से पूरी जो बैट फैक्ट्री का उसका टूर कराया। वहाँ हमने देखा कि बैट कैसे तैयार होता है, इसका पूरा व्लॉग हम अलग से अपलोड करेंगे। दोस्तों यहाँ से ख़रीदारी के बाद हम निकल लिए थे सीधे पहलगाम के लिए। शॉपिंग के चक्कर में हम लोगों को काफ़ी देर हो गई थी। यहाँ से हमारे ड्राइवर साहब हिलाल भाई बता रहे हैं कि अभी 2 से 3 घंटे और लगने वाले हैं। रास्ते में दोस्तों जी आप पेड़ देख रहे हैं, यह है एप्पल गार्डन। अभी पतझड़ है, वह एप्पल का मौसम नहीं है, तो इसलिए इन पर अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी हम यहाँ रुक भी नहीं रहे हैं। लेकिन यदि आप अगस्त या सितंबर में आएंगे तो ये गार्डन आपको बिल्कुल सेब से लदे नज़र आएंगे और आप फिर जाकर यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइनली हम लोग पहलगाम पहुँच गए हैं। ये गेटवे कह सकते हैं पहलगाम का। इसे आप देख पा रहे हैं कि कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, और आपको बता दूं ठंड भी बहुत ज़बरदस्त है। अभी यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर बचा है जहाँ हमें होटल वगैरह लेना है। हमने होटल पहले से बुक नहीं कर रखा है, वहाँ पहुँच कर हम कुछ होटल देख कर बुक करेंगे। दोस्तों आप ये जो होटल देख रहे हैं वो है पलस्तीन, जो कि पहलगाम के मार्केट एरिया में ही पहलगाम टैक्सी स्टैंड के बिल्कुल बगल में बना हुआ है। यहाँ पर हमने 3 रूम ले लिए हैं और जिनका किराया 2,000 रुपये प्रति रूम यह चार्ज कर रहे हैं हमसे। चलिए हम आपको रूम अब दिखाते हैं। दोस्तों पहलगाम के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर होटल आपको 2,000 से 18,000 रुपये तक में मिल जाएंगे। यहाँ पर कई बड़े बड़े होटल भी हैं जो आपको बहुत ही बेहतरीन व्यू के साथ लग्जरी सुविधाएँ देते हैं। दोस्तों होटल में रेस्टोरेंट भी है। दोस्तों जो हमारा ये होटल है इसमें रेस्टोरेंट भी है, तो आज हम लोगों ने यहीं पर खाने का सोचा है क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और पूरे दिन की यात्रा के कारण हम सभी अभी थके भी हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, माइनस में टेम्परेचर है। यहाँ आज हम खाने वाले हैं कश्मीरी वाजवान जो कि काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं सोने। कल सुबह की पहली किरण के साथ हम आपको दिखाने वाले हैं पहलगाम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम निकल चुके हैं पहलगाम को वॉक करते हुए एक्सप्लोर करने के लिए। आप देख रहे हैं इस समय पहलगाम में बिल्कुल सन्नाटा है, लोग अभी सो रहे हैं, मार्केट बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, लेकिन जो नज़ारे हैं वो बिल्कुल मज़ेदार हैं और ठंड कुछ ज़्यादा ही है। ये जो आप देख रहे हैं पहलगाम का मार्केट एरिया है, यहाँ पर आपको बहुत सी कपड़ों की दुकानें रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। दोस्तों हम ये जो मार्केट एरिया है इसको रात को जब ये गुलजार रहता है, बिल्कुल लाइट वगैरह जली रहती है, तब भी हम आपको एक रात वाला टूर कराएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं जो पहलगाम की नदी है उसकी ओर और आपको दिखाते हैं वहाँ के अद्भुत नज़ारे। दोस्तों आज हम लोगों ने यही मार्केट एरिया में नाश्ता आदि कर लिया है और अब हम जा रहे हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड की ओर। आपको बता दें कि अगर आप सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करना चाहते हैं तो वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। और आज तो हम लोग आपको बता दें कि हमने साउथ इंडियन नाश्ता किया है, उत्पम वगैरह सबने खाया है, तो यहाँ अवेलेबल है। हम लोग अब निकल रहे हैं आगे घूमने के लिए। अब हम जा रहे हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों मिनी स्विट्ज़रलैंड घोड़े से जाना होता है, तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं घोड़े स्टैंड की ओर, जो कि होटल और मार्केट एरिया से बिल्कुल बगल में ही 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ घोड़े वाले मिनी स्विट्ज़रलैंड का 3,500 रुपये प्रति घोड़ा, अभी हम लोग की बात करने पे इन्होंने बोला है चार्ज कर रहे हैं, जिसमें ये हमें 5 से 6 पॉइंट दिखाते हुए मिनी स्विट्ज़रलैंड तक ले जाएंगे। हमने जब इनसे थोड़ी बातचीत की, बार्गेन आदि किया, तो ये करीबन हमने इनसे हमारी जो बातचीत हुई है 1,700 रुपये प्रति घोड़े के हिसाब से तय हुआ है। इससे कम में ये अब नहीं मान रहे थे, तो हम लोग ने भी ओके बोल के अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर निकल रहे हैं। दोस्तों हॉर्स राइडिंग का भी पहाड़ों पर बहुत ही अलग मज़ा है और हम इसका लुत्फ लेने के लिए घोड़ों पर अब सवार होकर बिल्कुल निकल चुके हैं। हम जैसे जैसे दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते और भी मज़ेदार व सुंदर होते चले जा रहे हैं बिल्कुल, और बर्फ़ की जो चादर भी अब दिखने लगी है। दोस्तों देवदार के ऊँचे ऊँचे पेड़ों के ऊपर पड़ी बर्फ़ के बीच से निकलते हुए मानो हम स्वर्ग की ओर बढ़े चले जा रहे थे। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहे थे, हमने रास्तों का खूब एंजॉय किया। आपको बताने करीबन 1.5 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंच चुके थे मिनी स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पर एक ज़रूरी जानकारी आपको बता दूं कि यहाँ पर 30 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट लगता है, जिसको लेकर आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन अंदर जाते ही आपके पैसे बिल्कुल वसूल हो जाएंगे, गजब के नज़ारे होते हैं अंदर।
जैसा कि आप देख रहे हैं ये नज़ारा बिल्कुल कुछ मुझे खजियार जैसा नज़र आ रहा है, जो हिमाचल में एक ग्राउंड है खजियार। यहाँ पर आपको दोस्तों किनारे किनारे चाय नाश्ते की दुकानें भी मिल जाएंगी, जहाँ से अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं चाय नाश्ता करना चाहते हैं, यहाँ पर मैगी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर स्लेजिंग वगैरह कर सकते हैं, जिसका ये फ़िलहाल अभी 100 रुपये मांग रहे हैं स्लेजिंग का। और फिर इसके बाद आप कुछ देर यहाँ टाइम बिताने के साथ अच्छा फैमिली टाइम आप यहाँ पे बिता सकते हैं। फैमिली है तो फ़ोटो वगैरह भी खिंचा सकते हैं यहाँ की, लोग जो लोकल ड्रेस होती है वो पहन वगैरह के। और फिर यहाँ थोड़ा समय बिताने के बाद हम लोग दोस्तों निकल रहे हैं वापस अपने घोड़ों पर सवार होकर, क्योंकि आज ही हमें आरू वैली, चंदनवाड़ी व बेताब वैली को भी कवर करना है। दोस्तों यहाँ से वापसी थोड़ी खतरनाक लग रही थी, क्योंकि जो स्नो था वो काफ़ी पिघला हुआ था और लग रहा था कि अब गिरे कि तब गिरे, लेकिन करीबन 1 घंटे में हम ठीक ठाक हालत में नीचे पहुँच गए। दोस्तों अब हम जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड की ओर और वहाँ से हम टैक्सी बुक करके निकलेंगे आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी के लिए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी तो हमारे पास ही है ही, फिर हम क्यों टैक्सी लेने जा रहे हैं? तो आपको यहाँ एक ज़रूरी बात बता दूं कि यदि आप अपनी गाड़ी लेकर भी आ रहे हैं या श्रीनगर से टैक्सी लेकर पहलगाम पहुँच रहे हैं, तो इन टैक्सी से आप पहलगाम के पॉइंट नहीं घूम सकते हैं। आपको पहलगाम को एक्सप्लोर करने के लिए आपको यहाँ की लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी यहाँ के स्टैंड से। दोस्तों यहाँ के लेकिन एक अच्छी बात है लेकिन एक अच्छी बात है दोस्तों यहाँ के जो टैक्सी स्टैंड है, लेकिन दोस्तों यहाँ के टैक्सी स्टैंड की अच्छी बात यह लगी कि यहाँ पर सभी गाड़ियों के रेट फिक्स हैं, जिनकी सूची होटल से लेकर सभी जगह जगह लगी हुई है, जिसके लिए कोई बार्गेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप टैक्सी स्टैंड पहुँच कर बस गाड़ी बताइए, वह अनाउंस करके गाड़ी लगवा देते हैं, जो कि टूरिस्ट के लिए काफ़ी सही सुविधा है। हम लोग यहाँ से एक मारुति इको गाड़ी, जिसका किराया 1900 रुपये था, लेकर निकल चुके हैं आरू, बेताब और चंदनवाड़ी के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम जा रहे हैं आरू वैली, जो कि करीबन यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे ही हम 2 से 2.5 किलोमीटर चले थे कि नज़ारे बिल्कुल ही बदल गए थे, बेहद खूबसूरत वैली नज़र आ रही थी। दोस्तों अगर आप पहलगाम आ रहे हैं तो इन तीनों जगहों के लिए पूरा एक दिन अलग से रखिएगा। आरू वैली के आप शानदार नज़ारे देखिए, जो कि बर्फ़ से बिल्कुल ढकी हुई है। कुछ देर बर्फ़ से खेलने व फोटो वीडियो बनाकर हम निकल चुके हैं चंदनवाड़ी के लिए। चंदनवाड़ी के नज़ारे बिल्कुल ही खूबसूरत और बिल्कुल स्वर्ग जैसे हैं, जैसा कि आप इस समय देख रहे होंगे। बर्फ़ ढके पहाड़ व नदी के अद्भुत नज़ारे, यहाँ पर पैदल वॉक करते हुए अच्छे से चंदनवाड़ी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम निकल गए थे बेताब वैली के लिए। दोस्तों सही बताऊं, इन तीनों जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास समय कम था, क्योंकि हमने यह सफ़र दोपहर के बाद शुरू किया था। दोस्तों इसके बाद हम पहुंचे बेताब वैली, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी, वहां अंधेरा होने के कारण वैली बंद हो गई थी। बेताब वैली में दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर एंट्री फीस लगती है 100 रुपये प्रति व्यक्ति, व ये सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही टूरिस्ट के लिए खुली रहती है, उसके बाद बंद हो जाती है। दोस्तों इसके बाद हम पहुंचे पहलगाम के मार्केट एरिया में, जहाँ पर रात्रि का नज़ारा बिल्कुल अलग था। काफ़ी अच्छी मार्केट लग रही थी, यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह सब दिख रहे हैं, लाइट वगैरह जल रही है। आप थोड़ी यहाँ पर शॉपिंग वगैरह आदि कर सकते हैं अच्छे से। हमने भी यहाँ कुछ शॉपिंग करी और चाय कॉफ़ी पी और हम लोग निकल गए होटल के लिए, क्योंकि हम लोग को सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलना है जम्मू के लिए, जहाँ से हमारी ट्रेन है वापसी की। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये यात्रा समाप्त हो रही है। हमने कश्मीर व्लॉग सीरीज़ में अपनी तरफ से सारी चीज़ जानकारी देने की कोशिश करी है कि हम जम्मू से हमने कैसे श्रीनगर पहुँच, वहाँ के जो सारे पॉइंट्स हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, और वहाँ का जो लोकल टूर है डल लेक वाला, और जो श्रीनगर का लोकल टूर है वहाँ जितने गार्डन हैं वो कैसे एक्सप्लोर किए, कहाँ पर कितना खर्च होता है, और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने पहलगाम 2 दिन रुके, वहाँ पर कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट हैं और वहाँ पर जाने आने के लिए टैक्सियाँ कहाँ से मिलती हैं, उसका कितना खर्च होता है, घोड़े कितने के मिलते हैं, सारी जानकारियाँ आपको दी हैं। अगर फिर भी कोई जानकारी रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे तो हम आपको जवाब उसका दे दें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पहलगाम या कश्मीर की यात्रा प्लान करने में थोड़ी सी भी मदद करता है तो हमारे चैनल ट्रैवल फूड्स को सब्सक्राइब करें, वह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।